हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। जय श्री राधे, जय श्री राम। चलिए आज का पढ़ाई सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आज का बेंगलुरु की पढ़ाई सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करने के पहले कल का जो हमने बात किया था, येस्टरडे हमने जो बात किया था उसका रिकैप करते हैं। येस्टरडे हमने बोले थे प्राइस फ्लैट ओपन होगा, ओके। प्राइस गैप अप गैप डाउन नहीं ओपन हुआ, सो फ्लैट ओपन होगा। तो क्या हम लोग बात किए थे, फ्लैट ओपन होके प्राइस नीचे जाएगा, दैट मीन्स 47,500 का नीचे गिरा, 47,500 का नीचे गिरेगा। तो हमने 47,345 का लिए ट्रेड करेंगे। और दूसरा क्या है, वो भी 1 आवर नहीं तो आधा घंटा बाद प्राइस ब्रेक करेगा स्विंग लो को। तो प्राइस नीचे गया था, नीचे नहीं गिरा था, प्राइस रिवर्स होके ऊपर चला गया। तो आज कोई स्ट्रैंगल बेचेगा तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। देखिए ऊपर लेवल पे स्ट्रैंगल बेचता, 48,000 में भी बेचता, नहीं तो 47,5345 में भी बेचता, नहीं तो थोड़ा ऊपर आके बेच देता। तो अच्छा पोजिशन आज थोड़ा एक ही लेवल में घूम रहा, फ्लैट था, प्राइस नीचे गया था बट रिवर्स होके ऊपर चला गया प्राइस। तो आज का डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में कैंडल देख के पता चल रहा है कि कैंडल देख के पता चल रहा है प्राइस नीचे लेके जाने का कोशिश किया था सेलर ने, बट बायर आके ऊपर में लेके चला गया। तो इसीलिए प्राइस थोड़ा कैंडल जो बन रहा है, हमर टाइप का कैंडल बना, तो इसमें दिख रहा है बायर का एक्शन है नीचे लेवल पे। दैट मीन्स नीचे लेवल हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा, 20 डेज मूविंग एवरेज लेवल है 47,345। तो उसका आसपास आया प्राइस, क्या आया, लो मारा था 47,481। दैट मीन्स 47,500 में बायर है, 47,500 में बायर जब भी गया नीचे इमीडिएटली। देखिए 47,500 का लेवल कहाँ पे है, दिस वन इज द 47,500। तो इधर में आने के बाद ही प्राइस रिवर्स होकर चला गया। तो हम लोग एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, इधर में जो पॉइंट होगा 47,500 में स्टिल बायर इज एक्टिव। तो बायर सोच रहा है 47,500 में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो उसका हिसाब से बायर पोजिशन बाहर। तो इसमें अभी प्राइस डेली टाइम पे में थोड़ा वीकनेस दिखा, बट आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी 0.69% नीचे गिरा है। निफ्टी बहुत नीचे गिरा, निफ्टी फर्स्ट टू लास्ट तक बहुत नीचे गिरा है। नीचे जाके क्लोज किया जहाँ पे ओवर परफॉर्म किया बैंक निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ओवर परफॉर्म किया। तो देखेंगे तो आज भी मार्केट फ्लैट चलेगा। तो कल के लिए प्राइस एक्शन क्या बन सकता है, कल के लिए सेम प्राइस एक्शन बनेगा। प्राइस सोचिए फ्लैट ओपन होकर नीचे गिरेगा, 47,500 का नीचे जाएगा, तो हम लोग 47,345 टारगेट के लिए वेट करेंगे। और प्राइस फिर से ऊपर गया 48,000 का ऊपर, ऊपर जाके भी ये जोन जो है दिस जोन को ब्रेक करेगा तभी हमने ऊपर लेवल पे पोजीशन बनाएंगे। वो छोड़ के स्ट्रैंगल पोजीशन बना सकते हैं अभी, क्योंकि स्ट्रैंगल में अभी ऊपर में भी सेलर बड़ा बैठा है, नीचे में भी बायर बैठा है। तो प्राइस थोड़ा फ्लैट रहेगा, कुछ दिन टाइम स्पेंड करेगा प्राइस इसी लेवल पे, ऊपर लेवल 48,000, नीचे लेवल 47,345 का नीचे गिरेगा। तो मेजर एक ब्रेकडाउन आ सकता है। और ऊपर लेवल में अभी तो बड़ा मूव नहीं दिखेगा, टाइम चाहिए बड़ा मूव के लिए, एटलीस्ट बड़ा टाइम चाहिए बड़ा मूव के लिए। बड़ा मूव तभी कैप्चर होगा, बड़ा टाइम नीचे इतना डीप गिरेगा उतना ऊपर में हम लोगों को प्राइस जाने के लिए दिखेगा। तो डीप में जाएगा तभी बायर एक्टिव होगा, तभी प्राइस का मूवमेंट ऊपर लेवल पे जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही है, क्योंकि अभी और कुछ बोलने वाला कुछ नहीं है डिटेल्स बताने वाला, क्योंकि अभी प्राइस फ्लैट गया, गैप अप ओपन हो गया। सोचिए प्राइस गैप अप, कितना गैप अप होगा, अभी तो सेलर आ जाएगा 48,000 में सेलर बैठा है, और नीचे भी वो गिरेगा नीचे, सोचिए 47,345 का नीचे गिरेगा तब हमने अच्छा पोजीशन, नहीं तो 47,500 का नीचे गिर के 1 आवर्स के बाद वेक किया, ठीक है वो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 47,500 के आसपास ब्रेक किया, स्विंग लो ब्रेक कर दिया आफ्टर 1 आवर्स, तब अपने 47,345 के लिए टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद आप ट्रेल कर लीजिए प्रॉफिट को, उसके बाद और थोड़ा नीचे जाएंगे तो नेक्स्ट टारगेट 47,370 रुपीज़ का मिल सकता है, ठीक है। तो यही गया आज का प्राइस एक्शन। अब अभी भी हम मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो देखते रहिए डेली बेसिस पे, मैंने बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन देता रहता हूँ। आप देखिए पसंद हुआ तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मैंने ऐसे ही वीडियो लेके आते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों को, और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री हरि, हरि बोल।